विशेष पत्रकार वार्ता में मेरे साथ हमारे जिला के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट मिलिया जी, यशपाल जी हमारे जनरल सेक्रेटरी हमारे गुरुदेव जी, हमारे ब्लॉक प्रेसिडेंट कठुआ के विशुल दत्रा जी, लोकनाथ जी हमारे वाइस प्रेसिडेंट और अरुण मेहता जी हमारे वाइस प्रेसिडेंट हेडक्वार्टर, आप सबके साथ यहाँ पे साथ में रहिए। मेरी एक आपसे गुजारिश रहेगा कि हमें थोड़ा सा समय दीजिएगा, मैं अपनी बात पूरी कर रहा हूँ और उसके बाद आपके भी जो सवाल जवाब और करेंगे। एक तो जो अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट अभी यहाँ पर सैडा सवाल में जो वहाँ पे हुआ है और उसमें हमारे सीआरपी के जो हमारे कविदास जी जो जिनको शहादत प्राप्त हुई है, आप पूरी जिला कांग्रेस कमेटी उनके परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करती है और सैल्यूट करती है उनकी शहादत को, और उनकी जो शहादत है वो सुनहरी अक्षरों में लिखी जाएगी और इन सभी पुलिस ऑफिसरों की वजह से ही हम सब सुरक्षित हैं। और दूसरी तरफ से मैं जितने भी हमारी स्टेट की टीम, जिसको हमारे एडीजीपी जैन साहब और उसके बाद डीएसपी और एसएसपी कठुआ हेड कर रहे थे, उनको भी मुबारकबाद देता हूं, वो मौके पर पहुंचे और सारा सर्च ऑपरेशन वगैरह रहा, लेकिन उसके बावजूद भी जो कमियां हम सब यहां पे हैं हम उस पर तकरीबन उस पर बात करेंगे सब यहां पे। हमारा डिस्ट्रिक्ट जो है ये इंटरनेशनल बॉर्डर हमारी तरफ एक तरफ पाकिस्तान है, दूसरी तरफ पंजाब है और हिमाचल है, बड़ा एक सेंसिटिव सा डिस्ट्रिक्ट है और बड़ा खुशहाल डिस्ट्रिक्ट रहा है। जब हमारी यहाँ स्टेट रूट थी और यूपी बनने के बाद यहाँ पे कुछ नई चीजें यहाँ डेवलप हुई है, शायद होम मिनिस्ट्री के डायरेक्टर अंडर में आया हुआ है, लेफ्टिनेंट गवर्नर यहाँ पे हैं, लेकिन इस जिले को कोई तरजीह नहीं दी जा रही है, इस जिले की तरफ किसी की दिलचस्पी नहीं है और यहाँ दिन ब दिन हमारे जो हालात है वो डेटोरेट हो रहे हैं और हमारी जो लिविंग कंडीशन है और हमारी जो बाकी जो चीजें हैं हम यहाँ पे नदारद हो रही है और हम सब लोग इस समय सदमे में भी हैं, सत्ते में भी हैं और हम सब लोग ये जान के परेशान हैं कि आने वाले दिनों में इस जिले का क्या हाल होगा और क्या सफलता रहेगा। सबसे पहले तो मैं बताना चाहता हूं कि लोकसभा के चुनाव हुए, एक बहुत बड़ी एक्सरसाइज थी, हर जगह से वो चल रहा था, पूरी पुलिस पूरा सिविल प्रशासन उसी में सब में व्यस्त था और उसी के चलते कोई थोड़ी बहुत ये भी रिलैक्सेशन थी लोगों की तरफ से भी ये था कि इस समय हम चुनावों में लड़े हुए, लेकिन जैसे ही चुनाव यहाँ पे खत्म हुए, संपन्न हुए, जहाँ मतदान हुआ, सबसे पहले तो आपने देखा होगा हमारे जिले के साथ सटा हुआ डुडू संतगढ़ में हमारा एक बीडीसी का जवान वहां पे मारा गया और मिलिटेंसी की वहां पर तैयारी वहां पे देखी गई और मिलिटेंटों ने अपनी वहां पर तैयारी दिखाई। उसके बाद जगर में और जो थाना में वहां पे भी संदिग्ध देखे गए, लोगों ने कहा कि यहाँ पे संदिग्ध आ रहे हैं, लेकिन कोई भी चाहे हमारे यहाँ पे सीआईडी है, एसबी है, काउंटर इंटेलिजेंस सीआईडी, जो भी यहाँ पे सुरक्षा का तंत्र रहता है, सीआईडी का तंत्र रहता है, किसी ने उसको सीरियस नहीं किया। तीन दिन पहले मेला में बड़ा अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ, वहां पे हमारे जो अमरजीत शर्मा थे उनको मौत के घाट वहां पे उतार दिया गया, पूरा गांव आसपास के सारे सड़कों पे वहां पे आ गए थे और उसके बाद भी वो फिस्किंग वो रिसर्च वहां पे उनकी व्यापक तक पे होनी चाहिए थी पूरी कंडी इलाके में, वो नहीं हुई और अगले दिन वो ब्रेजेंस गया, वो सैडा सवाल में वहां ब्रेजेंस हुई और वहां पे आपने देखा कैसे किसी के घर में घुसे और कैसे वहां सारी बात आ गई। इन सब चीजों का संज्ञान लेते हुए हम ये कहना चाहते हैं, सबसे पहले तो हमें जरूरत है, कठुआ डिस्ट्रिक्ट बहुत बड़ा है, हमें यहां पे एक पुलिस डिस्ट्रिक्ट की जरूरत है, कठुआ डिस्ट्रिक्ट में एक अतिरिक्त पुलिस डिस्ट्रिक्ट यहां पे बनाया जाए, ये हमारी तरफ से जिला कांग्रेस कमेटी की डिमांड है। जैसे कश्मीर में जहां जहां मिलिटेंसी बढ़ती है वहां डिस्ट्रिक्ट पुलिस के बीच में ही एक डिस्ट्रिक्ट पुलिस बढ़ाया जाता है, हम चाहते हैं कि यहां पे डिस्ट्रिक्ट पुलिस बढ़ाया जाए और यहां पे जो एक दर्शनीय मैं कहूंगा जो नफरी यहां पे पूरे जिले में है वो इस काबिल नहीं है कि वो जो हालात यहां पे बने हुए हैं उसको पूरी तरह से लोगों को सुरक्षित रख सके और हमारी पुलिस फोर्स जो कॉम्पिटेंट तो है लेकिन उनके पास नंबर ही नहीं है, तो हम ये चाहते हैं कि उनकी नंबरिंग बढ़ाई जाए। और दूसरी तरफ से आईआरबी की बड़ाला में बटालियन है तो वो जितने भी हमारे यहाँ थाने हैं जो चौकियां हैं वहां पे उनको एडिशनलिटी देनी चाहिए थी, वो बटालियन के लोग कहाँ पे काम कर रहे हैं, कहाँ गए हुए हैं, कहाँ उनको राजभवन में लगाया है, जम्मू में लगाया है, कहाँ लगाया है, किसी को पता नहीं, सिर्फ हेडक्वार्टर यहाँ पे बना के रखा हुआ है आईआरबी का अपना बटाला में हमारा चैनग्रा के पास, लेकिन उसका कोई फायदा यहाँ कठुआ को नहीं हुआ। एक तो विभाग की कंपनी है, रिजिडेंटी में एसएचओ के साथ, चौकी ऑफिसर के साथ, नाकाज के साथ आप लगाइए, ऐसे सीआरपी को आपने श्रीनगर में रखा है, कहीं जेलों में लगाया हुआ है, कहीं दूसरी जगह भेज रहे हैं, जो यहाँ पे हालात उत्पन्न है उन सबको आप चुस्त दुरुस्त कीजिए और थानों के साथ लगाइए उसके साथ। दूसरा
हम ये कहेंगे कि एडिशनलिटी तो आप बढ़ाइए। दूसरा, सीआईडी के जितने भी विंग है यहाँ पे, चाहे वो उनका स्पेशल ब्रांच हो, चाहे उनकी सीआई विंग हो, उसको और जिस दूर स्कोर बढ़ाने की जरूरत है। वो उनका उनका वो पहला पर हमें यहाँ नहीं दिखता है। सिर्फ किसी के पासपोर्ट की इंक्वायरी भेज दी, किसी की नौकरी वाले के पास चले गए, या इधर उधर की बाजार की खबर दे दी। यहाँ पे ये सेंसिटिव डिस्ट्रिक्ट है, उनको उसके मुताबिक ही यहाँ पे काम करना पड़ेगा। और वो एक्सेसिबल हो, अप्रोचेबल हो, कि लोग उनको इन्फॉर्मेशन देख सके। वही 10-20 घिसे पिटे जो चीजें उनके पास है। आज जो बाहर से लोग आते हैं वो सुरक्षा तंत्र से बड़े मुस्तैद और अत्याधुनिक चीजों से लैस होते हैं, और उनका मुकाबला भी उसी तरीके से हमारी इंटेलिजेंस को करना पड़ेगा। हमारे डीजीपी साहब जो इस समय हैं, आरएस वैन जी, हमारे जिला के वो एसएसपी भी रहे हैं और बहुत कॉम्पिटेंट ऑफिसर हैं, बहुत कॉम्पिटेंसी के साथ काम कर रहे हैं। तो हमारी ये अपील उनसे रहेगी कि कठुआ डिस्ट्रिक्ट में पुलिस डिस्ट्रिक्ट एक हमें अतिरिक्त यहाँ पे चाहिए, और उसकी एकदम से घोषणा करें और यहाँ पे करें। और दूसरा से हम इसको कहना चाहते हैं कि हमारे यहाँ इन्फिल्ट्रेशन के ट्रेडिशनल रूट है। आप बेनाला को देख लें, आप तरनाक को देख लें, आप उच्च का जो इनका इलाका है, या सारगढ़ का इलाका है, या इधर से हमारा नीचा रावी का इलाका है, अगर ये पांच इलाके इनको पता है कि ट्रेडिशनल उनके रूटीन है, और वहां पे सिवाय माइनिंग के, माइनिंग वालों के साथ पुलिस का पूरा ये रहेगा, क्या लामबंद है उनका आप लोग बेहतर जानते हैं, लेकिन इन लोगों को पकड़ने में, दर पकड़ने में कोई उनकी जानकारी नहीं है। लोगों को तंग करना हो, ट्रैक्टर ट्राली वालों को, या माइनिंग माफिया का साथ देना हो तो पुलिस तंत्र आपको नजर आएगा, या डीएमओ का साथ देना हो तो पुलिस तंत्र आपको नजर आएगा। लेकिन जहां तक इन्फिल्ट्रेशन की तरफ नजर देनी है, ग्रामीणों की सूचना पे ध्यान देना है, उस तरफ आपका कोई, इन लोगों का कोई ध्यान नहीं है। तो हम ये चाहते हैं कि जो इनके ट्रेडिशनल रूट है, जो मैंने आपको पांच नाले या छह नाले या छोटे नाले हमारे जो वहां पे खुलते हैं, उन तरफ से ध्यान देना चाहिए।